हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इम्पैक्ट एक्सपर्ट्स। मेरा नाम हनी कुमार शर्मा है और आज हमारे पास क्वेरी रिसीव हुई है फ्रॉम एच भाई करके हैं, जिनका सवाल है, क्या सर 30,000 से 40,000 में एक्सपोर्ट बिजनेस शुरू हो सकता है? अगर हो सकता है तो कौन सा प्रोडक्ट वो एक्सपोर्ट कर सकते हैं? सो थैंक यू सो मच मिस्टर भाई क्वेश्चन पूछने के लिए। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा कि एक्सपोर्ट जो बिजनेस है वो डिपेंड करता है कि रिक्वायरमेंट क्या है बायर का। सबसे पहले बायर्स आपसे सैंपल मंगवाते हैं और सैंपल के बेसिस के ऊपर बायर आपको जो है वो पूरा डील देते हैं कि उनको कितना रिक्वायरमेंट है। तो वो चाहे 20,000 का भी हो सकता है, वो 10,000 का भी हो सकता है, वो 2,00,000 का भी हो सकता है। तो इट्स टोटली डिपेंड मिस्टर भाई कि आप कौन सा प्रोडक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। बट इसके ऊपर मैं एक और आपको बताना चाहूंगा कि दूसरा ऑप्शन, अगर आप ऑनलाइन करते हैं जैसे अमेजोन हो गया या ईबे हो गया, तो अमेजोन ने एक और फैसिलिटी निकाली है अभी कि B2B, उस पर आप बल्क डील कर सकते हैं। तो जो आप कह रहे हैं कि आपका इन्वेस्टमेंट कैपिटल जो है वो 30,000 से 40,000 रुपए का है, तो अगर आप अमेजोन के ऊपर भी यूटिलाइज करते हैं उसका चैनल एज एन ऑनलाइन प्लेटफॉर्म, तो उस पर भी आप बल्क डील कर सकते हैं। और जो आपका रेशियो है, जो भी प्रोडक्ट अगर आपको एक्सपोर्ट करना है, वो चाहे 30,000 का हो, चाहे 40,000 का हो, चाहे 20,000 का हो, तो वो आप प्रोडक्ट यूटिलाइजेशन करके B2B मार्केट में भी शेयर कर सकते हैं। सो ये एक छोटा सा इन्वेस्टमेंट कैपिटल है जो आपको आपके एंड से लगाना है, ठीक है? सो आई होप मिस्टर भाई मैंने आपका क्वेरी जो है उसका सॉल्यूशन दिया है। अगर आपको और कोई क्वेश्चन है तो प्लीज आस्क मी। थैंक यू सो मच।